अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध में नर्सिंग के इम्तहानात शुरू हो चुके हैं और कुछ पेपर्स उनके हो चुके हैं, लेकिन इसी दौरान में एक कंट्रोवर्सी भी हुई और दो पेपर के लीक होने की भी इत्तलात मिली और जिसके बाद वो पेपर्स मुलतवी करने पड़ गए और उनकी नई जो तारीखें हैं उनका ऐलान भी कर दिया गया। हम एग्ज़ामिनेशन के हवाले से और जो पेपर लीक हुआ है उस हवाले से बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहतरमा खैरुन्निसा अकबर साहिबा ने, जो कि कंट्रोलर हैं सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड की। अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अलहमदिल्ला मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ये सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं या इसके साथ सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी हो रहे हैं? बेसिकली ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है तमाम डिसिप्लिन का। हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन है, फैमिली वेलफेयर वर्कर, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, 10 हमारे पास पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह कार्डिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग। उसके अलावा जनरल नर्सिंग, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से एग्जामिनेशन बहुत डिले हुए थे, तो हमने स्पेशल परमिशन लेके इनका जनरल नर्सिंग के स्टूडेंट्स का जो फाइनल ईयर है इनका एनुअल भी एग्जाम किया है। तो एनुअल एग्जाम्स ओनली फॉर जनरल नर्सिंग है और बाकी तमाम डिसिप्लिन का जो है ये सप्लीमेंट्री एग्जाम है। अच्छा, और ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने सेंटर्स बनाए हैं आप लोगों ने, कितनी वैकेंसी टीमें हैं? तकरीबन हमारे पास जो कैंडिडेट्स की तादाद है वो 5,300 है और विजिलेंस टीम्स जो है हमारी तकरीबन 12 लोगों की विजिलेंस टीम है, जो कि डिफरेंट सेंटर्स पे अर्ली मॉर्निंग एग्जाम पेपर स्टार्ट होने से पहले भी पहुंच जाते हैं, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी। तो कराची, हैदराबाद, लाड़काना, खैरपुर, शिकारपुर, ये हमारे 27 सेंटर्स हैं। सांगढ़, मीरपुर खास, बदीन, तो 27 सेंटर्स जो है वो विजिलेंस टीम भी जा रही है, सुपरवाइजर्स भी हैं, सेंटर्स भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ रनिंग हो रही है एग्जामिनेशन पेपर्स की। अच्छा, ये बताइए कि इम्तिहानात के लिए आपने अरेंजमेंट क्या किए थे? देखिए हमारे पास ना प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी हम ये बना के रखते हैं फॉर इमरजेंसी, कि कभी अल्लाह ना करे अचानक से कोई पेपर आउट हो जाता है, डेफिनेटली उसकी तो इंक्वायरी होती है और जो भी क्रिमिनल होगा इस क्राइम में मुलव्वस होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके खिलाफ कानून वाकई सजा दी जाएगी, क्योंकि ये क्राइम है पेपर आउट करना। अब पेपर आउट कहाँ से हुआ, ये प्रॉपर रिपोर्ट तो हम जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी बिल्कुल आपको देंगे और जो उसकी एज पर लॉ सजा होगी वो भी उसको दी जाएगी। ये बताइए कि कौन-कौन से लेकिन जो प्लान बी था हमारा वो उसमें ये होता है कि हमने सेकेंड थर्ड पेपर आउट हुए। जी जी, कौन कौन से पेपर आउट हुए? ये हमारे पास था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फाइनल ईयर का, सेकंड ईयर का पेपर आउट होने का कुछ हमें पता नहीं चला, लेकिन हमने दोनों पेपर ही मुलतवी किए और इसको हम इंशाल्लाह 14 को जो है वो प्लान कर दिया है हमने। आपको क्या इत्तला मिली थी कि पेपर कहाँ से आउट हुआ, कौन से सेंटर से? हमें एग्जैक्टली सेंटर का अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स है ना उसमें जो पेपर आए तो हमने स्टूडेंट्स की पर्सनल हेयरिंग कॉल की है। अब उसके बाद मतलब लिंक बन रहा है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया, उसकी फ्रेंड को बुलाया, फिर उसकी फ्रेंड ने उसको दिया, उसके ग्रुप में चला, अब वो ग्रुप की एडमिन कौन थी, आज हमारी पर्सनल हायरिंग उसके साथ भी है और इंशाल्लाह जो इसका हेड होगा वो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा और FIA में भी केस रिपोर्ट किया है, डिपार्टमेंट को भी केस रिपोर्ट किया है इसका हमने और इसकी पर्सनली मैं खुद इंक्वायरी कर रही हूँ, इसलिए कि वो कहते हैं ना चोरी मेरे घर में हुई है तो मुझे ही चोर को पकड़ना है। और डेफिनेटली ये बताइए कि ये आपके सिस्टम का फॉल्ट नहीं है कि आपने अरेंजमेंट इस तरह से क्यों नहीं रखे थे कि पेपर आउट होने का कोई चांस नहीं रहता, तो आप नहीं समझती कि ये जिम्मेदारी आपके पार्ट पे भी आती है? मैं आपको बताती हूँ, हमारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज है, हमारी जो पैकिंग है एग्जामिनेशन पेपर की वो डबल ट्रिपल पैकिंग है हमारी और वो एनवेलप फटेगा खुल नहीं सकता, ठीक है, टेम्पर बैग है हमारे पैकिंग का स्टाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम अर्लियर यहाँ पोस्टिंग हुए थे तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री में इस तरह का इश्यू आया था जिसको हमने इसी तरह बी प्लान से हैंडल किया था और स्मूथ रनिंग हमने एग्जामिनेशन की पूरे सिंध में उस टाइम भी करवा दी थी। तो अब इस टाइम अगर किसी ने किया है तो डेफिनेटली उसको सजा होगी, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है और सिस्टम पे चीज पकड़ी जाएगी। अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है और वाकई में अच्छा था तो फिर ये कैसे हो गया, और इसमें आप नहीं समझती कि आपके ही डिपार्टमेंट का या आपके ऑफिस का कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? 100% श्योर है कि कोई ना कोई खास बंदा ही इसमें इन्वॉल्व होगा। देखिए पेपर जो पैक होते हैं वो सुपरवाइजर्स को दिए जाते हैं,
हमारे पूरे सिंध के सेंटर हैं 27। अब किसकी नियत कहाँ पर खराब हुई है, किसने किस तरह किया है, तो डेफिनेटली उसको कानून वाकई सजा दी जाएगी क्योंकि ये क्राइम है। अब इसके अंदर मैं आपको एक थोड़े सा इसका बैकग्राउंड बताती हूँ। हमारे पास जब एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो एक फैक्ट लेटर चलाया कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया। अब ये कौन लोग हैं जो इस तरह सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे चीजें चला रहे हैं? पहले तो इन्होंने स्टूडेंट को, इंस्टीट्यूट को मिस गाइड किया कि एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर हमने उसको कवर किया। उसके बाद जब हमारा पहला पेपर हुआ इंग्लिश का, तो इन्होंने ऑल पेपर सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स में घुमाया और कहा कि ये पेपर आउट हो गया है। जब हमने उसको चेक किया तो वो हमारा पेपर पुराना पेपर था, वो हमारे एग्जामिनेशन का पेपर नहीं था। सेकंड, फिर उसके बाद एमएसएम के पेपर का हमें कोई 12 बजे जाके दिन में पता चला है। तो मतलब इन्होंने इस तरह किया है कि किसी ना किसी को तो डेफिनेटली इन्होंने 100% साथ मिलाया है। तो जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ इंक्वायरी तो शुरू हो चुकी है और ये सजा भी होगी, और एक मैं तरह से ये मीडिया जो पे भी स्टूडेंट्स लेके हैं, आऊंगी खैर उसको। साहब, स्टूडेंट्स में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि बच्चे जो है इससे परेशान हो जाएं और सारा जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाए। 100% ये कोई ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन किसी भी तरह कैंसिल हो जाए। ये कौन लोग इसमें मुलविस तो ये हैं? कैंसिल होने 100% से किसी का वो क्या भी मफाद सामने हो सकता आएंगे। है खैरुल साहब? अगर एग्जामिनेशन या पेपर चलो कैंसिल भी होते हैं जैसे वो चाहते हैं, तो फिर इससे फायदा किसका है? मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि मेरी प्रमोशन ड्यू है, अल्हम्दुलिल्लाह 19 की प्रमोशन होने वाली है। कंट्रोलर की सीट 18 की है। डेफिनेटली उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट यही होगा कि ये एग्जामिनेशन अगर खैरुन्निसा कराएगी तो उनकी जो करप्शन और मार्केट चलती थी ना, पैसों में हर चीज बिकती थी, तो वो मेरे होते तो कम से कम नहीं हो सकती। और शायद इन फ्यूचर वो प्लान करके बैठे होंगे कि किसको लाना है और कैसे कमाना है। तो उनका मेन फोकस एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि सिंध के बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा जिनका एग्जाम हमने किस तरह प्लान किया। मेरे पास असिस्टेंट कंट्रोलर नहीं है, डिप्टी कंट्रोलर नहीं है, मेरी पोस्टें दिसंबर से वैकेंट जा रही हैं। अब मैं किस तरह रात दिन लग के कितनी मेहनत पोस्ट करके वैकेंट इन है आपकी बच्चों की खैरुल साहब? खातिर पब्लिक कितनी पोस्ट इंटरेस्ट में वैकेंट हमने है, ये काम किया कि हम इनका एग्जाम किसी भी तरह पॉसिबल बना दें कितनी ताकि पोस्टें इनका खाली हैं एयर खैरुल बैक साहब? ना साहब हो। आपको कितने बंदे चाहिए, कितने लोग चाहिए आप? मेरे पास डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और आईटी के 2 लोग जो है वो भी आउट ऑफ बोर्ड पोस्टिंग है। तो और कुछ सीटें मेरी तकरीबन 12 खाली भी हैं जो कि एनटीएस के प्रोसेस में जा रही है। इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा उसका जल्दी। तमाम उसकी जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, फाइनली एडवर्टाइज होगा तो तो वो अपॉइंट आपके हो बारे में जाएंगे। तो एक ख्याल ये भी है कि महकमा सेहत में सेक्रेटरी सेहत से और मिनिस्टर से आपके ताल्लुकात खासे अच्छे हैं, बेहतर हैं, तो आप ये सीटें क्यों नहीं फिल करवा पा रही? देखिए ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ने पोस्टिंग नहीं की थी। डिपार्टमेंट ने एक्चुअल में जो सीनियोरिटी बेस पे पोस्टिंग की थी 2 लोगों की, वो प्रमोशन हो गई उन लोगों की और वो फॉरन ही 18 में चले गए। ये सीट थी 17 की, तो वो जो काम की डिस्ट्रीब्यूशन और सारा कुछ था वो पेंडिंग चला गया। तो अब दोबारा भी प्रपोजल गया हुआ है और मेरे ख्याल में एक दो दिन में पोस्टिंग हो जाएगी। अच्छा लेकिन खैरुल जो साहब ये टाइम बताइए, बीइंग हमें मुश्किल थी वो मुश्किल बिल्कुल हमें हुई है। हमारी मिनिस्टर साहिबा बहुत अच्छी हैं, सेक्रेटरी साहब भी बहुत अच्छे हैं और तमाम चीजें डिस्कस भी हो रही हैं। और डेफिनेटली इस सारे एनवायरनमेंट में आप खुद देख सकते हैं कि कितनी लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट की हमें सपोर्ट नहीं होती तो हम ये सारा कुछ कामयाब नहीं बना सकते थे। ये एग्जामिनेशन जो इतनी कामयाबी से हो रहा है इतने क्रिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि माफिया एजेंट का इंटरेस्ट है इन चीजों में और अच्छा डिपार्टमेंट आप ये डेफिनेटली बताइए, जैसे सपोर्ट आप कर रहा कह है। रही हैं, जैसे आप कह रही हैं, तो आपके ख्याल में जो चीटिंग माफिया है या जो पास करवाने वाला माफिया है, जो मार्किंग कराने वाला माफिया है, वो एक बार फिर सर उठा रहा है और इसमें सरगर्म होने की कोशिश कर रहा है इसी बहाने से? बिल्कुल इसी बहाने से वो उनका टारगेट यही है। बाकायदा स्टूडेंट्स को मैसेजेस जा रहे हैं कि बस कंट्रोलर जा रही है, हम कराएंगे ये, हम तुम्हें पास करा देंगे, हम ये कर देंगे। मतलब किसकी अभी तरफ से से वो माफिया मैसेजेस जो है जा वो रहे हैं आपको सरगर्म पता हो चला गया है? है। किसकी तरफ से वो मैसेजेस जा रहे हैं, किसी का नाम आइडेंटिफाई हुआ है? बिल्कुल आइडेंटिफाई भी हो रहा है ये। मैं आपको जैसे मेरे पास कंप्लीट एविडेंस आते हैं ना, मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल शेयर करूंगी। मैंने एफआईए की डायरेक्टर जो है उनसे भी बात कर ली है इस केस में और हम फुल कार्रवाई कर रहे हैं इसके ऊपर। क्योंकि देखिए बच्चों का फ्यूचर तबाह करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। नर्सिंग जो है डायरेक्ट केयर होती है, किसी की जिंदगी का सवाल होता है। तो हम यहाँ पर लाइसेंसरी किलर नहीं बना सकते। जो बच्चे पढ़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, आगे जाएंगे और नर्सिंग केयर देंगे, लोगों की जाने बचाएंगे, हम जाने मारने के लिए नहीं लाइसेंस देते। तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, सिस्टम को बेहतर किया है, वो सिर्फ
ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए किया है, तो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट है। सही। तो ये बताइए कि इस वाली सूरत हाल में आपने बताया कि प्लान आपके पास बी भी था, प्लान सी भी था, तो जब आपको पता चल गया था कि पेपर आउट हो गया है, तो उसके बावजूद भी आपको फैसला करने में इतनी ताखीर क्यों हुई कि 2-3 घंटे आपने ले लिए, पेपर हो गया, उसके बाद फिर जाके अनाउंस किया कि कैंसिल कर रहे हैं आप पेपर? नहीं, हमें हमें कंफर्मेशन नहीं थी ना पेपर की, हमें तो 12 बजे के बाद पता चला है ये। अगर मुझे स्टार्ट में पता होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये वाला पेपर जाता और पेपर कैंसिल होता। हम ऑल्टरनेट जो हमारा बी प्लान पेपर था मौजूद, हम वो देते, हम सारे सेंटर्स पे इत्तला दे देते कि आपको ये पेपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको दूसरा पेपर ईमेल कर रहे हैं, आप निकालें प्रिंट और उसको पेपर को जो है अटेम्प्ट करवाएं। तो इसका अगर मतलब, हमें इसका मतलब आपके जो इतला, तो हमारा डे भी जाया नहीं देने होता। वाले जो लोग हैं, आपका वो सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो लग रहा है कि आपको इतला जो है वो काफी देर से पहुंची। एक्चुअल में देखिए, ये स्टूडेंट्स का होता है ना, आप स्टूडेंट के ग्रुप में मैं नहीं हूँ, मुझे कोई ना कोई टीचर इन्फॉर्म करता है जो थोड़ा स्टूडेंट के साथ लिंक में होता है। तो ये जो एजेंट माफिया है, इन्होंने कहाँ से ग्रुप कैसे बनाए हुए हैं, अब हमें पहुंचते पहुंचते चीजें ऐसे ही है। पहले दिन मुझे रात को ही पता चल गया था, तो हमने बी प्लान अपना एक्टिव किया, लेकिन पता चला कि वो पेपर तो है नहीं, तो वो हमें डिस्टर्ब करने के लिए ये किया गया था पहले दिन। और दूसरे दिन जब किया है तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल किया, जिसका हमें पता बहुत देर से चला। लेकिन ये कि पेपर आउट होना ये क्राइम है, और जो पेपर आउट हो गया, क्योंकि हमें स्टूडेंट का ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि ये पेपर कैंसिल ना करें। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जो पेपर आउट हो गया वो कैंसिल होगा 100% और वो दोबारा देना होगा। वाइवा जो है, वाइवा क्योंकि एग्जामिनर्स ने लिया है तो वाइवा हम कैंसिल नहीं कर रहे, वाइवा सेम रहेगा, लेकिन एमएसएन थ्योरी पेपर जो है वो दोबारा देना होगा स्टूडेंट्स को। और थर्सडे को वो प्लान करके हमने अनाउंस भी कर दिया, ताकि कंटिन्यूएशन में 13 को पेपर खत्म होगा और 14 को वो अपना पेपर एमएसएन का दे देंगे। चलिए, इसका मतलब तो ये कि आपको भी अपना सिस्टम जो है वो अब तेज करना होगा। सिस्टम देखे हमने तेज किया हुआ है, पूरा पाकिस्तान जो है ना, अब आप उसको सीधा नहीं कर सकते। मैं क्या, गवर्नमेंट क्या, कोई भी नहीं कर सकता। जितना हम बेहतर कर सकते हैं, हमें ऑल्टरनेट प्लान बना के रखने होते हैं, प्लान बी प्लान सी, जो कि हमने ऑलरेडी बनाए हुए थे। और इसीलिए हमारी मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है, विजिलेंस टीम्स हमने बहुत एक्टिव कर दी है, पेपर शुरू होने से पहले भी वहां पहुंचे होते हैं, ड्यूरिंग सेंटर्स में भी एग्जामिनेशन के पहुंचे होते हैं। और आप ये देखें, हैदराबाद, लाड़काना, शिकारपुर, कुछ हमने सुपरवाइजर्स भी आगे पीछे किए हैं, तो जो जो प्रिकॉशन हम कर सकते थे वो हमने सारे के सारे कर दिए। इसलिए कि सुपरवाइजर जो है वो हमारी एक टीम होती है, जो बड़ी कॉन्फिडेंस वाली टीम होती है, अगर उनमें से कोई एक आध ऐसा हुआ तो डेफिनेटली उसके खिलाफ एक्शन होगा। और अच्छा, इसमें हम डिफरेंट तरीकों से देख रहे हैं, जैसे पेपर सेटर होते हैं, पेपर मेकर होते हैं, प्रिंटर होते हैं, तो अब हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा पर्सन है। क्योंकि देखिए, बिफोर टाइम जो है ना, अगर हम किसी पे इल्जाम लगाएं तो ये गलत होगा, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो बिल्कुल हमारे एतमाद के लोग हैं और हम उन पे शक नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई पर्सन 100% है। अच्छा खैर, उनसे ये बताइए कि अब मुस्तकबिल का क्या प्लान है, अब आगे पेपर्स के लिए आपने क्या प्लान किया है? देखिए, आगे पेपर के लिए हमारा प्लानिंग ये है कि हम अपना ही एक पर्सन जो है वो खैरपुर साइड पे डिप्यूट कर देंगे, एक पर्सन हैदराबाद पे डिप्यूट कर देंगे, और कराची का मटेरियल तो ऑलरेडी ये लोग सुबह लेके जाते हैं, हमारा अपना बोर्ड स्टेशन है, यहीं से सुबह लेके जाते हैं और शाम को ये पैक करके देके जाते हैं। तो अब ये इसी तरह हम अपनी ब्रांचेस जो है ना एग्जामिनेशन के दौरान में एक्टिव कर देंगे, ताकि हैदराबाद से बदीन, जामशोरो सेम डे पे मॉर्निंग में लेके जाएं और सेम डे पे देके जाएं, इससे बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। नहीं, तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस स्टूडेंट को यही मैसेज देंगे कि पेपर हम उनके लिए इजी बना रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप बना रहे हैं, और बिल्कुल जो बच्चे पढ़ते हैं वो पास हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में जो कीज बना के इन लोगों को शिफल हो रही होती थी, तो वो चीज हमने खत्म की है, इसलिए कि ये हमें करना पड़ा। और मेरे ख्याल में जो बच्चे पढ़ते हैं, पेपर उनको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सेंटर्स पे गई हूँ और मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आप पेपर मुश्किल आ रहा है, आउट ऑफ कोर्स आ रहा है कुछ, तो इतना स्टूडेंट सेटिस्फाइड है। आप देखें, पूरे सिंध में कहीं कोई क्राई नहीं आया, जो बच्चों ने पढ़ा है उसी कोर्स में से पेपर आ रहा है, और बिल्कुल वो लोग कर रहे हैं, मतलब जो कहते हैं ना, अब फेयरनेस आ गई है, वो है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ना वो डेफिनेटली नहीं पढ़ेंगे, उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माशाल्लाह से स्टूडेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है,
और पढ़ रहे हैं, जो इदारे अच्छा पढ़ाते हैं उनके स्टूडेंट बिल्कुल टेंशन में नहीं है। यहाँ पर इदारों पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा इदारा किस तरह पढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट्स को। आखिरी बात ये बताइए कि सेंटर्स का आपने विजिट भी किया है, सेंटर्स पर स्टूडेंट्स के लिए इंतजाम कैसे हैं? निजी कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, तो सेंटर्स में इंतजाम के हवाले से बस आखिरी बात बता दें। देखिए सेंटर में इंतजाम बहुत अच्छे हैं, जहाँ जहाँ मैंने राउंड किया बिल्कुल वेल वेंटिलेटेड है, जनरेटर का भी है, सोलर सिस्टम का भी है, जहाँ लाइट जा रही है वहाँ पर सोलर सिस्टम या जनरेटर उनका स्टार्ट हो रहा है। और रमजान का महीना है, पानी वानी का तो कोई इतना है नहीं खास, लेकिन जो लोग नॉन मुस्लिम है या रोजा नहीं रखते उनके लिए वो अरेंजमेंट भी है। बाकी विजिलेंस बहुत अच्छी हो रही है, इन्वेस्टिगेटर सुपरवाइजर बहुत अच्छा वेल मैनेज कर रहे हैं और मेरे ख्याल में बहुत ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन चल रहा है हमारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खैरुनसा साहबा, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और उन्होंने गुफ्तगू की है। सिंध में नर्सिंग के इम्तहानात शुरू हो चुके हैं और दो पेपर आउट होने की भी इतला आई, जिसके बाद उन्हें कैंसिल कर दिया गया और जो कैंसिल होने वाले पेपर्स हैं वो अब 14 तारीख को होंगे। ये अपडेट थी सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के हवाले से जो हमने आप तक पहुंचाई है नाजीन। और यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। वेलकम बैक नाजीन, और अब बात करेंगे सिंध में ही नर्सिंग के शोबे के हवाले से कि नर्सेस की तरक्कियां तकरीबन 22 साल बाद शुरू हो चुकी हैं। ये खुशाइन बात है और ये एक बहुत अच्छा एक कदम है, वरना हमने ये देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे में नर्सेस की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज किए गए, यंग नर्सेस एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज हुआ, प्रेस क्लब पर धरने हुए, उसके अलावा मार्च करने की भी कोशिश की गई और इस दौरान नर्सेस ने डंडे भी खाए, गर्मी में भी बैठे रहे, धूप में भी बैठे रहे और ये सूरत हाल हुई। लेकिन अब ये खुशाइन बात है कि उनकी सुन ली गई और महकमा सेहत सिंध ने अब उनकी तरक्कियों के लिए इकदाम करने शुरू कर दिए हैं और हमें ये पता चला है कि 20 से 22 साल बाद नर्सेस को तरक्कियां मिल रही हैं और मज़ीद मिलने वाली हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब एजाज कलेरी साहब ने, जो कि सदर हैं यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध के। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। अस्सलाम एजाज साहब, ये बताइए कि क्या खुशखबरी क्या है नर्सेस के लिए, कौन कौन से ग्रेड की प्रमोशन हो रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो आपका आपके मेट्रो मैट्रस का शुक्रिया, आप हमेशा जो है वो नर्सेस को प्रमोट करते रहते हैं और मसाइल को भी जो है वो उठाते रहते हैं, एक्सपोज भी करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी जो बात है वो ये है कि मैं वजीरे सेहत मैडम अजरा पेचूरो और सेक्रेटरी सेहत दुर्कार अली शाह साहब के बहुत ही मशहूर हैं, उन्होंने हमारी ये बात जो है वो समझी और इस मसले को सीरियस लिया, तो अब जो है हमारे प्रमोशंस बहुत तेजी से स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि फोर्थ ईयर फार्मूला 2017 और 2019 में अप्रूव हुआ था और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में हमें तकरीबन 2 साल लग गए, तो जो लास्ट हमारा प्रोटेस्ट था उसमें जो है हमारे फोर्थ ईयर फार्मूला के जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे वो हमारे रूल्स फ्रेम हुए और अप्रूव हुए, देन जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो पहले फेज में हमारे जो 53 नर्सिंग ऑफिसर्स 17 से ग्रेड 18 में प्रमोट हुए एज ए नर्सिंग क्लिनिकल लेक्चरर और नर्सिंग लेक्चरर और साथ साथ में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और हेड नर्स के तौर पे। अब दूसरा जो हमारा फेज है वो हमारे दूसरे फेज में इस वक्त जो है हमारे ग्रेड 18 के तकरीबन 24 ऑफिसर जो है वो प्रमोट होने जा रहे हैं ग्रेड 19 के अंदर एज ए डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तौर पे। उसके बाद जो थर्ड फेज है हमारा वो होगा हमारा 17 ग्रेड में जो हमारे नर्सिंग इंस्ट्रक्टर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं वो तकरीबन 60 के करीब जो है वो नर्सिंग लेक्चरर और क्लिनिकल लेक्चरर के तौर पे जो है प्रमोट होने जा रहे हैं। तो हमारी जो एसएनजीडी में इनकी सीनियरिटी लिस्ट थी हमारे ऑफिसर्स की वो अप्रूव होके आ गई है और वर्किंग पेपर जो है तकरीबन तैयार हो चुके हैं और इंशाल्लाह रमजान शरीफ के अंदर इसी महीने में जो है वो हमारे प्रमोशंस के लिए बोर्ड जो है एसएनजीडी में बैठ जाएगा और आफ्टर रमजान ईद के बाद जो है हमारे स्टाफ नर्स जो BS16 जो सबसे ज्यादा जो है उन्होंने अपना वक्त गुजारा है और तकरीबन 25 साल 30 साल उनकी सर्विसेज हो गई है और उनकी प्रमोशंस कभी और किसी स्टेज पे नहीं हुए, तो अब इंशाल्लाह आफ्टर ईद जो है 614 लोग फार्मूला के तहत 614 लोग जो है अगले ग्रेड में प्रमोट हो रहे हैं। एजाज साहब, इस अरसे में आप कह रहे हैं 25-30 सालों में एक भी तरक्की नहीं मिली उन्हें?
जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि क्योंकि इसका मसला ये था कि हमारे जो ऊपर के जो ग्रेड थे वो हमारे पास इतने ज्यादा नहीं थे, बहुत कम तादाद में ग्रेड थे, तो उस वजह से जो है हमारे प्रमोशंस नहीं हो पा रहे थे और उसका स्ट्रक्चर नहीं था, रूल्स कुछ पोस्टों के नहीं थे हमारे पास, तो इस वजह से हमने एक जामा प्लान बनाया था 2017 के अंदर और यंग नर्सेज एसोसिएशन ने उस प्लान पे अमल करते हुए एक फोर्थ ईयर फार्मूला जो है वो प्रपोज किया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और हेल्थ डिपार्टमेंट में उस पर बहुत तेजी से वर्कअप हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली फिर वो जो है बीच में कुछ ऐसे मामला हुए कि वो रुक गया और उसके रुकने की वजह से तकरीबन 2-3 साल हो गए और हमने मुसलसल जद्दोजहद की, फिर आखिरकार जो है वो 2019 में अप्रूव हुआ और वो 2022 में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। जैसा मामला रुक गया या रुकवाया गया? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर लोग मौजूद हैं और उन्होंने कोशिश की कि जो है इसको किसी तरीके से रुकवाया जाए और ब्यूरोक्रेसी के कान भरे गए, जिसकी वजह से ये मामला तकरीबन 3 साल तक जो है वो रुका रहा, पेंडिंग रहा और ये फाइल कभी ऊपर जाती थी कभी नीचे आती थी, मुख्तलिफ जो है वजूहात बताई जाती थी, मगर हमारी यंग नर्स एसोसिएशन की जो क्यादत थी, जो लोग थे, जो मेम्बर्स थे, जो सिंध सुबह सिंध की जो कम्युनिटी है, नर्सिंग कम्युनिटी, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपना एक वचन किया था और उनका वचन ये था कि हमने ये तमाम चीजों को अप्रूव करवाना है और इंप्लीमेंट करवाना है और बिल आखिर अल्लाह तबारकाला की रजा से और ये तमाम चीजें जो है वो तमाम सिंध की नर्सिस की यूनिट की वजह से इंप्लीमेंट हो पाई। अच्छा एजाज साहब, ये भी बातें सुनने में आई कि YNA जो है वो ये चाहती है कि उसके अपने अहदेदार या उसके अपनी कैबिनेट के लोग जो है उनको जब तक प्रमोशन ना मिले तो किसी की तरक्की नहीं होनी चाहिए, इन बातों में कोई सदाकत थी? देखिए इसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है, यंग नर्सेस एसोसिएशन सिंध जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, वो नर्सेस की वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके मसाइल को हल करवाने के लिए कोशिश कर सकती है, ये रूल्स रेगुलेशन पे डिपेंड करता है और सीनियरिटी लिस्ट पे डिपेंड करता है, सीनियरिटी कम फिटनेस, तो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई और अहदेदार हो, तो जब तक सीनियरिटी में मैं नहीं आऊंगा या मेरा कोई अहदेदार या कोई भी नर्स जो है वो सीनियरिटी में वायलेशन नहीं कर सकती। आपको पता है कि इस ये जो आज का दौर है ये बहुत बड़ा फास्ट दौर चल रहा है और सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जहां पे भी कोई ऐसी गड़बड़ होती है तो लोग फिलफोर जो है कोर्ट्स ऑफ लॉ के तरफ जा रहे होते हैं, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है, कोई किसी का हक नहीं खा सकता और हमारी पूरी कोशिश है, मेरी तंजीम की पूरी कोशिश है, सीनियरिटी कम फिटनेस और मेरिट के बुनियाद पे तमाम मसाइल हल होने चाहिए, हमने कभी मेरिट का कत्लेआम नहीं किया और ना ही करवाना चाहते हैं, हमारा फोकस हमारा विजन जो है वो मेरिट है, मेरिट के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा वैसे ये बताइए कि जो तरक्की पाने वाले नर्सेज हैं उनमें आपके YNA के अहदेदारान भी कुछ ना कुछ शामिल हैं, कुछ लोग हैं? देखिए बिरादर, मैं समझता हूँ कि इस तरीके से कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मेरे अहदेदार हों उसमें, और अगर अहदेदार कोई है भी सही तो उसका कोई कसूर ये तो नहीं है ना कि वो किसी तंजीम का अहदेदार है और वो अगर मेरिट पे आ रहा है और सीनियरिटी में टॉप पे आ रहा है तो उसका अगर प्रमोशन हो रहा है तो कोई भी उठ के कम्युनिटी से या कोई बाहर से लोग जो है इल्जाम तराशी करे कि ये YNA का अहदेदार है, तो इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा प्रीवियसली बात की कि अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी और अकॉर्डिंग टू रूल्स ये तमाम चीजें हो रही हैं, उसमें YNA की जरा भर भी जो है वो इंटरफेरेंस नहीं है। ये बताइए कि जब आप लोगों के एहतजाज हो रहे थे तो अंदरूनी सिंध से भी आपने लोगों को बुलाया, नर्सेज वहां पे पहुंचे और एहतजाज किया उन्होंने, तो आप इस सारी स्ट्रगल का जो क्रेडिट है वो किसे देना चाहेंगे और आप क्या समझते हैं कि इसमें किस किस ने अच्छा किरदार अदा किया? देखिए ये जो प्रोटेस्ट था ये तमाम नर्सिंग कम्युनिटी के हवाले से था और इसमें उन तमाम नर्सेस का जो है सपोर्ट रही है, इनपुट रहा है और उनको क्रेडिट जाता है जो पूरी सिंध से मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ अस्पतालों से नर्सेस मूव करके कराची प्रेस क्लब पे हमारा साथ दिया और रिटेन किया, तकरीबन 13 दिन तकरीबन वहां पे उन्होंने रिटेन किया और रिटेन करने की वजह यही थी कि जिसकी वजह से जो है वो उनका ये मसाइल तमाम के तमाम हल हुए हैं, क्योंकि यकजहती का इजहार उन्होंने किया और यूनिटी को शो किया और बहुत सारे मसाइल सामने आए हमारे ऊपर जो है वो पुलिस ने तशद्दुद भी किया, हमें रोका भी सही और बहुत ज्यादा मसाइल को फेस करना पड़ा, मगर हमारी यूनिटी और एसोसिएशन का जो एक डिसिप्लिन हमेशा
से रहा है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से अपने प्रोटेस्ट को लॉन्च करते हैं और मुनज़्ज़म तरीके से उस प्रोटेस्ट को आगे लेके चलते हैं ताकि जो है नर्सेज के मसाइल हल हो सकें। तो हमने कोई कानून की वायलेशन नहीं की और तमाम तरीके से जो मुनज़्ज़म वे था हमारा प्रोटेस्ट का और पुरअमन तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया और ये सिंध गवर्नमेंट को बावर करवाया कि हम यूनाइट हैं और हम अपने हकूक के लिए बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी हमारी तमाम चीज़ों को पहले ही इंडोर्स कर चुकी थी और कुछ इश्यूज ऐसे थे जिसकी वजूहत हमारे अपने नर्सिस कम्युनिटी के अंदर लोग हैं जो इनको बार बार रुकवाना चाह रहे थे या जो गलत ब्रीफिंग दी जा रही थी, जिसकी वजह से हमने उनको एक्सपोज भी किया और ब्रीफ भी किया डिपार्टमेंट को कि ये वजूहत हैं और ये तमाम मामलात हैं जिनको वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत ने उन प्रायोरिटी भी दी और उन तमाम चीज़ों को जस्टिफाई भी किया, जिसकी वजह से आज जो है वो सिंध की नर्सेज तमाम की तमाम जो है वो बाशऊर हो चुकी हैं और उनको अपने हक मिलना शुरू हो चुके हैं। एजाज साहब, ये बताइए कि जो नर्सेज अभी रिसेंटली रिटायर्ड हो गए इसी तरक्की की उम्मीद में और यही आस लिए वो मुलाजमत से भी बहरहाल उन्हें मुकम्मल करके चले गए, उनका क्या हुआ? देखिए सर, ये तो अकॉर्डिंग टू रूल्स तमाम चीज़ों को जो है वो डिपार्टमेंट लेके चल रहा है और जैसे कि मैंने कहा कि 20-25 सालों से हमारे प्रोमोशंस नहीं हो रहे थे, जो हमारी नर्सेज ग्रेड 16 में अपॉइंट होती थी या ग्रेड 17 में पब्लिसिटी कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट हो रहे थे तो उनको जो है वो स्ट्रक्चर नहीं था और प्रोमोशंस ना होने की वजह से या तो लोग जो है वो रिटायर हो रहे थे या लोग डेथ होके जा रहे थे, तो सेम ग्रेड में ये चीज़ें हो रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ जाती नहीं होगी, एक स्ट्रक्चर वजूद में आ चुका है और तमाम नर्सेज को अपने हकूक मिल रहे हैं। अब जो प्रीवियसली हो चुका या रिटायर हो गए हैं तो उनका तो अकॉर्डिंग की रूल ही, अगर कोई रूल ऐसा है कि उनकी जो है रिटायरमेंट के बाद भी उनको कोई फवायद मिल सकते हैं तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके प्रोग्राम की तवसल से वो डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करें, अगर कोई ऐसी रूल्स में गुंजाइश है और वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है तो हम जरूर उनको सपोर्ट करेंगे और डिपार्टमेंट भी सपोर्ट करेगा। अच्छा, ये बताइए कि अब ये तरक्कियाँ होने के बाद की सूरत हाल कैसी हम तवक्को कर सकते हैं कि सेहत का जो निज़ाम है उसमें क्या कोई बेहतरी की तवक्को है? आम मरीजों को भी इसका कोई फ़ायदा होगा? नर्सेज मजीद मेहनत और दिलजमी से काम करेंगे या वैसे ही चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाया। अब बेहतरी की तरफ हम मूव कर चुके हैं, हम मूव फॉरवर्ड जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने हमारी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो माना है और उनको भी ये जस्टिफाई करना पड़ा। जो हमारे पास एक शार्टेज है, एक्यूट शार्टेज है नर्सेज की, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त 18,000 से ज़्यादा जो है वो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं प्रोविंस के अंदर और नर्सेज की तादाद बहुत कम है, क्योंकि नर्सेज जो है इस वक्त अगर हम नर्सेज की बात करें तो पूरे सूबे में जो है 5,000 के करीब नर्सेज इस वक्त काम कर रही हैं और कुछ हमारे जो तकरीबन पेंडिंग से तकरीबन 800 के करीब जो है वो अपॉइंटमेंट हमारी रुकी हुई है पब्लिसिटी कमीशन में, तो जैसे ही वो आते हैं तो तकरीबन ये 5,000 की तादाद हो जाएगी और हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को और सीएम साहब को रिक्वेस्ट की हुई है कि इस तादाद को और तकरीबन 10 से 12,000 और मजीद बढ़ाएं ताकि जो है हॉस्पिटल्स के अंदर, रूरल हेल्थ सेंटर्स के अंदर, डीएचयूज के अंदर, डीएचक्यू के अंदर जो वहाँ मसाइल हैं, जो नर्सेज की शॉर्टेज है, जो मरीजों को प्रॉपर तरीके से जो है वो नर्सिंग केयर नहीं मिल पा रही और उसका जो एक रेशियो है या एक जो फ्लो है वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के ऊपर आ रहा है, तो सबसे ज्यादा वजह यही है कि हमारे पास नर्सेज की कमी है। तो इंशाल्लाह हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं और सीएम साहब ने 558 सीटें जो है कोविड के अंदर अप्रूव की थी और वो इस वक्त पब्लिसिटी कमीशन के अंदर जो है मौजूद है, एडवर्टाइज हो चुकी है, अब उस पर जो है टेस्ट और इंटरव्यू होने हैं। तो इंशाल्लाह जो ये प्रमोशन भी हो रहे हैं तो इससे जो है दिलजोई हो रही है और इसमें लोग और अच्छे तरीके से काम करेंगे। हमारा पहले जो मामला होते थे कि हमारे इश्यूज पेंडिंग है उसके ऊपर हमारा फोकस होता था, अब हमारे इश्यूज काफी हद तक जो है वो प्रॉपर मूव कर चुके हैं, बेहतरी की तरफ हैं, तो हमारा अब जितना भी फोकस है वो मरीज की केयर के ऊपर है और जो नर्सिंग केयर जिस तरीके से मिलनी चाहिए उस तरीके से हम उस पर फोकस कर रहे हैं, बींग स्टेक होल्डर्स, बींग एसोसिएशन और हम डिपार्टमेंट के साथ एज ए सबऑर्डिनेट्स और एज ए स्टेक होल्डर्स काम करना चाहते हैं और इंशाल्लाह इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एजाज साहब, एक सवाल और आपसे ये करना चाहूंगा कि ये बताइए कि जब तरक्कियां हो जाएंगी और पोस्ट भी वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी, लोग सीनियर पोस्ट पे आ जाएंगे, तो उसके बाद जो मुख्तलिफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस में या प्रिंसिपल्स की सीट पर जूनियर लोग बैठे हैं, जूनियर लोग तैनात हैं, तो उसके हवाले से भी आपने कोई हिकमत अमली बनाई है कि वहाँ भी जिसका जो हक है, जो जिस ग्रेड का है उसको वहाँ पे होना चाहिए, जो उसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसे वहीं होना चाहिए, इस पर भी आप कोई काम करेंगे? जी अख्तर शाहीन साहब, देखिए कि ये तो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम है
और वो बेहतर समझते हैं उसको, और हमारा जो इनपुट होगा वो हम जरूर देते हैं और दे भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये सीनियर लोग प्रमोट होंगे, और यंग एसोसिएशन का ये विजन भी है और मोटिव भी है राइट पर्सन टू राइट प्लेस के लिए, और काफी हमने इस पे जंग भी लड़ी है, हमने इस पे काफी चीजों को बेहतर करने की कोशिश भी की प्रीवियसली, और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमारे पास ऑफिसर्स नहीं थे उन पोस्टों के लिए, और जूनियर लोगों को उन पोस्टों पे लगाया गया था, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में बहुत सारा इश्यूज आए और करप्शन हुई। और हम चाहते हैं कि ये अब मामलात बेहतर से बेहतर हों, क्योंकि इस वक्त तमाम कॉलेजेस के डीडीओ पावर्स भी जो है वो मिल चुके हैं, सिंध हुकूमत ने डीडीओ पावर्स नर्सिंग कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हैंडओवर कर दिए हैं, अब उनके पास डीडीओ पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए भी मौजूद हैं, और उनकी बजट जो है हॉस्पिटल से तमाम की तमाम सेपरेट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही ऑफिसर्स प्रमोट होंगे तो ये राइट पर्सन टू राइट प्लेस चले जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बेहतरी की तरफ हम मूव करेंगे। अच्छा इजाज़ साहब, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि कोरोना की सूरत हाल के दौरान जहां हेल्थ केयर वर्कर्स ने, तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स ने काम किया, खिदमात अंजाम दी, और ये बात आप लोग भी कहते रहे और हमें देखने में आया कि उस तरह से उन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, खासतौर पर आप नर्सिंग से वाबस्ता हैं, नर्सिंग के शोबे की हम बात करें तो नर्सेज की उस तरह से सरकारी सतह पर वो पजीराई नहीं मिली जो होनी चाहिए थी, तो इस हवाले से अब आप क्या सोचते हैं? कोरोना का ऑलमोस्ट इख्तिताम की तरफ है और शुक्र है कि बहुत बेहतर सूरत हाल है अब, तो आप इस तरफ कोई बात आपकी हुई है गवर्नमेंट से, या फिर आप लोग अपने ओन पर भी सर्विसेज को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ करने का प्लान है आपका? जी बिल्कुल, देखिए कि आपने बिल्कुल बात ठीक की और ये इशू बहुत अच्छा उठाया है आपने, क्योंकि हम डे वन से इस मामले पे किराए कर रहे थे कि जो नर्सिंग कैडर के लोग हैं वो 24/7 जो है वो नर्स मरीज के साथ बिल्कुल क्लोजली काम कर रहे होते हैं, और उस वक्त हमारे बहुत सारे दूसरे कैडर्स के लोग, जो तिबी अमला था वो बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज पे काम कर रहा था, तो इस वजह से आपको पता है कि जो नर्सिंग प्रोफेशन के लोग हैं, जो नर्सेस हैं, वो रीढ़ की हड्डी कहलाता है, और रीढ़ की हड्डी का मतलब ये है कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट को मजबूत से मजबूत तरीके से लेके चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे हमारे लोगों को या नर्सिंग प्रोफेशन के लोगों को इतना अपग्रेड नहीं किया गया, उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमने बारहा डिपार्टमेंट के सामने ये बातें रखी, और इससे क्या होता है कि मायूसी होती है लोगों के अंदर, और हमारी ये कोशिश है कि ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, हम उनके साथ मिलके हम ऐसा कोई प्लान बनाएं जिसमें अब कोरोना जो है बिल्कुल उनकी पीक खत्म हो गई है और ये बिल्कुल अब नॉर्मल रूटीन के तहत आ चुकी है, तो हमारी भी कोशिश होगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी 12 मई जो है वो आ रहा है नर्सिंग डे जो वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट होता है, तो इंशाल्लाह हम वो सेलिब्रेट करेंगे, और इंशाल्लाह हम उसमें तमाम नर्सेस जो आईसीयू, मेडिकल आईसीयू, एचडीयू और क्रिटिकल केयर में नर्सेज ने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड किया है कोविड के अंदर खसूसन, तो उस उनके लिए हम बिल्कुल अप्रिसिएशन लेटर्स भी और जो है बाकी चीजें भी जो हमसे हो सकेंगी एज स्टेक होल्डर्स और तंजीम के लेवल पे हम करेंगे, और हम कोशिश हुकूमती सतह पे इन चीजों को भी जो सराहा जाए और उनको भी अप्रिसिएशन मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इजाज़ कलेजी साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और खासी सरासल गुफ्तगू की, उन्होंने नर्सिंग के इश्यूज पर और तरक्कियों के हवाले से। नाज़रीन, अगर आप भी किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है जो कि है 03155441165, और कॉल्स के लिए भी आप हमसे रابطہ कर सकते हैं 03003642759 पर। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।